झारखंड के साहिबगंज में भाजपा जिला अध्यक्ष रामदर्श यादव के घर पर बुधवार की रात पुलिस द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौक पर काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष के घर पर 8 तारीख की मध्य रात्रि को सादा वर्दी में और कुछ पुलिस की वर्दी पहुंच कथित पुलिसकर्मियों द्वारा परिवारजनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और रिश्तेदार के घर पर जाकर महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रामदर्श यादव जी के परिवारजनों के साथ एवं उनके नातेदार रिश्तेदारों के घरों में मध्य रात्रि में सादे लिबास में पहुंच करके पुलिसकर्मियों ने जो दुर्व्यवहार किया है, इससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है साहेबगंज जिले के पुलिस कप्तान के पास जब भाजपा का प्रतिनिधि मंडल जा करके उनको मामले की जानकारी दी, उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की, इस प्रकार की किसी घटना की जानकारी नहीं है। आखिर लोकतंत्र में यह कैसे चलेगा कि राजनीति करने वाले कार्यकर्ता के साथ आप किसी प्रकार के अपमानजनक कृत्य करते हो, लेकिन उसके परिवार वालों का क्या कसूर है, उनके रिश्तेदारों का क्या कसूर है जिसके साथ घर में जाकर के आतंकवादी तरीका व्यवहार हमारी पुलिस ने किया है। इसलिए लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे जो लोग जिम्मेवार हैं, जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, रिश्तेदारों के घरों में जाकर के दमनात्मक कृत्य किया है, उसको साहेबगंज प्रशासन उसको चिन्हित करे, उस पर कार्रवाई करे। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होता है, ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। दिवस मनाया है और ये धीरे धीरे ये पूरे चरणबद्ध तरीके से अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, ये कोई एक जिलाध्यक्ष के ऊपर घटना नहीं है, ये राजनीति सामाजिक जीवन में काम करने वाले ऐसे लाखों कार्यकर्ता, आज वो सत्ता में है इसलिए उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन उसके परिवार वालों ने के साथ इस प्रकार का बदसुलूकी ये बर्दाश्त। इस घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी साहिबगंज पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर इस लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया है। झारखंड से साहिबगंज अरविंद कुमार की रिपोर्ट।